कुरान पढ़ने वालों के लिए अर्श आजम का साया, आप अंदाजा लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस शख्स ने छोटी उम्र से कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया, पहले सीखा फिर पढ़ता रहा, हत्ता के बुढ़ापे तक यानी मरते दम तक कुरान की तिलावत का मामूल रखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ऐसे बंदे को भी मेरा रब अर्श आज़म को साया अता फरमाए। अब देखो, सिर्फ कुरान पाक की तिलावत और जो अहकाम हैं कुरान मुकद्दस के, उस पर अमल, उस पर इतनी बड़ी फजीलत।